दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। एक ऐसा दिन है आज जहां पर पुष्पा फिल्म इतिहास रच सकती है। आज इस फिल्म का 7th week का संडे है और मेरी आवाज में एक रोब आपको दिखता होगा, एक गुरूर, एक नॉट गुरूर से कह सकते, एक स्ट्रांग पॉइंट दिखता होगा, एक टोन हाई दिखता होगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि पुष्पा ने हर वो जंग जीत ली जो ट्रेड्स को लगता था कि नहीं जीत पाएगी, ट्रेड वालों को, जो फिल्म एक्सपर्ट को लगता था कि नहीं कर पाएगी, जो लोगों ने इस फिल्म की बुराई या धज्जियां उड़ाई फिल्म रिलीज के दौरान, उन सब के मुंह पर इस फिल्म ने ये हिंदी डब वर्जन में कलेक्शंस देकर एक करारा तमाचा जड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने वो कारनामा कर दिखाया जो बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में जो रिलीज हुई थी पिछले 3 से 4 महीने में वो नहीं कर सकी, बहुत सारी और इंडस्ट्री की फिल्में नहीं कर सकी, लेकिन वो कमाल एक ऐसी फिल्म ने किया जो अल्लू अर्जुन की पहली डब हिंदी फिल्म रिलीज हुई थिएटर में, और वो भी इतना खतरनाक टफ कंपटीशन के साथ, स्पाइडरमैन नो वे होम के एक दिन बाद रिलीज हुई। उसके बाद एक हफ्ते बाद इस फिल्म के साथ टक्कर झेलने को मिली 83 को। तो इन सब फिल्मों के बीच में सबने यही कहा कि यार ये तो बोलते मौत के कुएं में जा रहा है। ये ऐसा कुछ था पुष्पा के लिए लोगों का कहना, और इनमें से सबको ही नहीं मैं भी यही मानता था। मुझे पता था पुष्पा चली गई, लेकिन मुझे भी ये डर था कि पुष्पा कहीं बोलते ना बड़े घोड़े की रेस में कोई कुचल ना दे, ठीक है, इंसान को, उस तरह से हाल पुष्पा का हो सकता था। लेकिन पुष्पा का एक डायलॉग याद होगा कि तुम एक बंदूक चलाओगे तो हम 50 कुल्हाड़ियां चलाएंगे, कि सोचो किसके ज्यादा टुकड़े होंगे। तो ये जो एटीट्यूड और ये जो स्वैग था अल्लू अर्जुन का, ये लोगों को इतना पसंद आया कि आज ये फिल्म 100 करोड़ की दहलीज पर खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के बारे में चलिए बात करते हैं बिना किसी बकवास के। डे 44 जो इसका 7th week का सैटरडे था, मान लीजिए इस दिन इसका कलेक्शन 70 लाख के आसपास आया है हर हाल में, और ऐसा है तो टोटल इसका हुआ है 98.66 करोड़ के आसपास, ठीक है, 98.66 करोड़। और 45वां दिन आज है इसका, डे 45, इट्स बिग थिंग, ये 50 दिन भी करने वाली। तो डे 45 आज शनिवार संडे है, आज के दिन में प्रेडिक्शन है 1 करोड़ से 1.25 करोड़, 1 करोड़ to 1.25 करोड़। अगर ऐसा हुआ तो कलेक्शंस जाएगा 99.66 करोड़ से लेकर 99.91 करोड़ तक के बीच में। इसी वेनसडे यानी 2 से 3 दिन पहले बुधवार को इस फिल्म ने 1.50 करोड़ की कमाई की थी रिपब्लिक डे के मौके पर। अगर ये फिल्म वैसा कमाई करती है या फिर ये फिल्म उसी तरह से रेंज में कमाई करती है ना आज, तो ये फिल्म 100 करोड़ आज ही पूरा कर लेगी। अगर बाबस्ता खुदा न खास्ता किसी तरह से आज ये मिस कर देती है तो इसका 100 करोड़ कल होना 110% तय लग रहा है। एनीवेज हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से, बाकी जो कहीं ना कहीं जो कोई कहे अलग बात है। और इस फिल्म ने एक और मिथ बहुत बड़ा तोड़ दिया है कि जब फिल्म ओटीटी पर आ जाती है तो उसे थिएटर में देखने को नहीं जाता और उसे कलेक्शंस खत्म हो जाते हैं। ये भाई, ये फिल्म का तो असली पागलपन ओटीटी पे आने के बाद लोग थिएटर में आ रहे उससे शुरू हुआ है। दिस इज पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। चलिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर 1 से 1.25 करोड़ का कलेक्शन हुआ, 1 करोड़ to 1.25 करोड़, दिस कलेक्शन विल टेक टू 99.66 करोड़ to 99.91 करोड़। हाउ एक्साइटेड एंड हाउ थ्रिल्ड यू आर, लेट मी नो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। शिवली कैसा वो गाना, बढ़िया लगता है, मैं भी स्टेप सोचा ट्राई करूं। चलिए फिलहाल इतना ही।